दोस्तों नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। ये है दिन संडे का, संडे मॉर्निंग का टाइम है ये। मॉर्निंग भी नहीं, 11 बज रहे हैं जैसे। तो यहाँ पे ना कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल लेकर आए थे मेरे हस्बैंड। नित्या को जो है हेयर कटिंग के लिए लेकर के गए थे, तो नित्या का जो हेयर कटिंग हुआ है, तो वहीं से आते हुए मैंने कहा था कुछ टमाटर वगैरह ख़त्म हो गए थे तो लेकर के आइएगा। तो यही सब जो है मैं अरेंज कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने ये सब कुछ अरेंज कर लिए। मैंने जब ये फ्रूट्स वेजिटेबल जो है इसका बैग जब खोला, मुझे इतना अच्छा लगा। सेंट जो है ना, ये करी पत्ता जो फ्रेश, मुझे बहुत पसंद है ये करी पत्ता। और ये टमाटर और जो ये मिर्ची है ना, मैं इसको वॉश करके ही फ्रिज में रखती हूँ। उसके बाद हम सब जो है रेडी हो गए हैं। तो बहुत दिनों के बाद आपको पता है, मतलब मेरे हस्बैंड जो आए हैं, तो हम लोग जा रहे थे फैमिली लंच पे क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। और बारिश नहीं हो रही थी लकीली उस दिन, बारिश मतलब थोड़ी बहुत हुई थी, तो हम कहीं पे मतलब रुक गए थे। जब वापस बंद हुई तो हम वापस भी आ गए थे। तो वो बहुत अच्छा दिन था। ऐसे यूजुअली यहाँ पे बहुत बारिश शुरू हो गई है, मतलब कभी भी बारिश हो जाती है। क्लाइमेट तो बहुत ही अच्छा हो गया है यहाँ। और मेरे हस्बैंड को कोई ऑफ़ तो मिलता नहीं, संडे उस दिन ऑफ़ मिला था, तो हमने पूरा फैमिली टाइम। और यहाँ पे हम रेडी होके निकले, तब तक मतलब 1 बज ही गया था। तो सोचे सबसे पहले जो है लंच कर लेते हैं, उसके बाद में जो है कहीं घूमेंगे। तो यहाँ पे हम आए हैं, ये एक बहुत ही मतलब फेमस करके रेस्टोरेंट है। मैंने ही सर्च किया, गूगल किया, क्योंकि हम अभी तक गए नहीं थे कहीं पे। और आपको पता होगा इस शहर में हम नए ही आए हैं, तो अभी कुछ भी है तो हम गूगल पे सर्च करके ही जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये केरला स्पेशल थाली मंगाई थी वेजिटेरियन। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, और मेरे हस्बैंड ने भी अपने लिए जो है पनीर ही ऑर्डर किया था। तो यहाँ पे हम चारों ने जो है अपना लंच एंजॉय किया। उसके बाद हम यहाँ से निकल गए, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया। नित्या और माशु भी मेरी बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि नित्या तो बहुत एक्साइटेड थी, बाहर आ गए ना हम इसलिए। और यहाँ पे आप बिना हेलमेट के नहीं चल सकते हैं, बिल्कुल ही नहीं, स्ट्रिक्टली नो। मैंने थोड़ी देर तो नहीं पहना था, लेकिन फिर स्कूटी में ही हेलमेट था तो डाल लिया मैंने। ये स्कूटी मेरी है, मेरे हस्बैंड की बाइक है, तो मैं स्कूटी पहले चलाती थी, लेकिन अभी माशु की वजह से थोड़ा सा जो है मैंने मतलब बंद करके रखा है। मैं उसको लेकर के कैसे चलाऊंगी। तो ये हेलमेट भी मेरा ही था। और यहाँ पे हम आ गए हैं मेनका मार्केट। तो ये मेनका मतलब मार्केट लगता है यहाँ पे। एवरीडे कोई स्पेशल दिन नहीं लगता यहाँ पे, इसी तरह से भीड़ जमा रहती है। यहाँ पे ना बहुत मतलब चीज़ें जो है आपको रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं आसानी से। हम स्पेशली यहाँ पे ना कुछ ड्राई फ्रूट्स ख़रीदने के लिए आए थे। ड्राई फ्रूट्स जो है मेरे ख़त्म हो गए थे, तो थोड़ी सी बारिश होने लगी थी, तो हम बस इस शॉप में रुक गए थे। ये शूज़ का मतलब शॉप था, तो उसके बाद जब रुकी तो हम चले गए वहाँ से, हमें कुछ शूज़ वगैरह ख़रीदने नहीं थे। फिर यहाँ पे हम आए, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हम जो है देख रहे थे, तो हमने ड्राई फ्रूट्स ले लिए। और कुछ मसाले भी, आपको पता होगा केरला जो है मसालों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे जो है मसाले मिलते हैं। तो मैं माशू को लेकर के थोड़ा बैठी थी, मैंने मेरे हस्बैंड को बोला आप जो है ले लो। मैंने उनको बोला मुझे क्या क्या चाहिए, तो उन्होंने जो है सब कुछ ले लिया। और यहाँ पे अच्छे मिल जाते हैं। और मार्केट भी जो है ना, संडे था तो भीड़ थोड़ी कम थी, अदर डेज ना भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि यहाँ पे ना मतलब कोची में मैंने देखा है कि संडे को ना जो छोटे छोटे शॉप्स होते हैं ना, वो बंद रहते हैं, मतलब या फिर शायद 1 बजे के बाद ना ऐसे कुछ बंद हो जाते हैं। और आते समय हमने लिए जामुन, मुझे तो ना ऐसा समझो कि सोना मिल गया जैसे मुझे तो लगा, क्योंकि ना जाने मैंने कितने दिनों बाद जामुन खाए हैं, मुझे कहीं मिलते ही नहीं थे। मैं गोवा में भी रही, मैंने कोशिश की थी वहाँ भी मुझे कहीं मिले, मुझे कभी नहीं मिले। और ये मुझे लकीली मिला, बस एक ही जगह छोटा सा, मतलब वो ऐसे रोड पे स्ट्रीट साइड में ही लेके बैठे थे एक, तो वहाँ से मैंने लिए। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो जामुन, मिलते ही नहीं आजकल, तो लगता है जैसे उसका सीज़न ही बहुत कम हो गया है, मिलता ही नहीं है, बहुत कम मिलते हैं। और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स है जो हम लेकर के आए थे, और थोड़े से मसाले। इलायची जो है उसकी खुशबू इतनी अच्छी थी, मैं आपको क्या ही बताऊँ। और ये है मॉर्निंग का टाइम, नेक्स्ट डे। बारिश की आवाज़ सुनिए आप, कितनी हैवी रेन हो रही है, बहुत हैवी रेन हो रही थी। और अब मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में मैं बनाने जा रही हूँ आज डोसा। तो सबसे पहले मैं जो चटनी है वो ग्राइंड कर रही हूँ, तो मैं सब कुछ जो है सुबह ही प्रिपेयर करती हूँ।
तो बस चटनी जो है मैंने सिंपल सी नारियल और मूंगफली की जो चटनी होती है ना वो मैंने बना ली है, और मैं इसमें जो है तड़का लगा रही हूँ। तो अर्ली मॉर्निंग ही मैं उठ जाती हूँ, मतलब 5 बजे जैसे उठ जाती हूँ फटाफट से, और झाड़ू वगैरह लगाने के बाद जो है मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। और मेरे हस्बैंड ना आजकल कुछ ज़्यादा ही जल्दी चले जाते हैं, मतलब 7 o'clock भी नहीं होता है, वो उससे पहले ही चले जाते हैं। और यहाँ देखिए बैटर कितना अच्छा फर्मेंट हुआ है। तो मैं यहाँ पे डोसा बनाऊंगी, प्लेन ही डोसा बना लूँगी मैं, जल्दी में तो वही बनेगा, मसाला डोसा में थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे। तो मैं यहाँ पे प्लेन सा ही डोसा बना ले रही हूँ, वो भी मतलब चटनी के साथ बहुत अच्छा लगता है गरम गरम। और इतनी बारिश हो रही थी ना तो उसमें तो मतलब ये इस तरह का खाना अच्छा ही लगता है, गरम गरम सा डोसा चटनी। तो यहाँ पे तो है ना मतलब कभी भी बारिश हो जा रही है, बड़ा अच्छा क्लाइमेट हो गया है, मुझे तो अभी अच्छा लगने लगा। पहले इतनी मतलब ह्यूमिडिटी थी, बहुत लगता था कि बारिश कब होगी, और अब बारिश हो रही है तो मुझे अब जाके राहत मिली है। और ये रहा हमारा जो है ब्रेकफास्ट। उसके बाद मेरे हस्बैंड और मेरी नित्या जो है वो चली गई थी, तो फिर मैंने किए घर के काम, और उसके बाद जो मैं यहाँ पे कपड़े लगाए थे मशीन में तो वो सारे जो है मैं लेके जा रही हूँ ऊपर छत पे डालने के लिए। तो माशू जो है वो सोई नहीं थी, तो जब तक वो मतलब सोती नहीं है या उसको कोई पकड़ता नहीं है तो मैं इधर उधर कहीं नहीं जाती हूँ। जैसे मेरी नेबर है ना, कभी कभी वो ले लेती है तो मैं कपड़े डाल देती हूँ आराम से, लेकिन उस दिन वो भी कहीं गई थी तो फिर मैं जानबूझ के ना ऊपर नहीं गई। मैंने सोचा माशू जब सो जाएगी तभी जाऊँगी, तो सोते हुए भी मैं उसको बहुत केयरफुली रख के जाती हूँ और फटाफट से आ जाती हूँ। वो जगी है तो उसको पूरा अटेंशन चाहिए, तो यहाँ पे उसको जो है मैंने वैसे रेडी नहीं किया था, वो सो गई थी तो इसलिए मैंने उसको रेडी नहीं किया था, और मैं नहा ली थी तो अभी जो है मैं उसको रेडी कर लूँगी। यहाँ पे उसकी जो है मस्ती चल रही है आजकल, उसको पूरा अटेंशन पूरा टाइम चाहिए। तो यहाँ पे मैंने उसको भी रेडी कर दिया है, और मौसम ना आजकल ठंडा सा रहता है तो अब से मैं उसको ना फुल स्लीव्स ही पहनाने की कोशिश करती हूँ। पहले उसको मैं हाफ पहना भी देती थी, लेकिन अभी बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा ही अंदर ना मतलब ऐसे हमें ब्लैंकेट लेना ही हो पड़ जाता है जब हम सोते हैं तो। और ये सीधा इवनिंग का टाइम है, मैं यहाँ पे ना सब्जी बना रही हूँ, और एक तरफ जो है मिल्क बॉईल हो रहा है। तो मैं अर्ली ही काम कर लेती हूँ ये सब, क्योंकि आपको पता ही है, मैंने आपको बताया मेरे हस्बैंड जो है लंच पे आते नहीं है, तो मैं सोचती हूँ डिनर जो है वो अर्ली ही प्रिपेयर करके रख लेती हूँ, क्योंकि वो अर्ली मॉर्निंग ही जाते हैं, 7 बजे भी नहीं उससे पहले ही जाते हैं और एकदम 7 बजे शाम को आते हैं। तो फिर इसीलिए जो है मैं डिनर प्रिपेयर करने की कोशिश कर लेती हूँ उनके आने से पहले। तो यहाँ पे मैंने जो है फ्रेंच बीन्स और आलू जो है उसको भून के निकाल लिया है, और अब जो है मैं सब्जी बना रही हूँ उसकी। तो ड्राई सब्जी मतलब मेरे घर में ज़्यादा पसंद की जाती है, मेरे हस्बैंड को ड्राई ही सब्ज़ी पसंद है, तो ग्रेवी वाली सब्ज़ी वो ज़्यादा लाइक नहीं करते। तो यहाँ पे मैंने जो है पहले भून के निकाल लिया है आलू और फ्रेंच बीन्स, और उसके बाद में जो है मैं उसका मसाला तैयार कर रही हूँ, तो जिसमें मैंने प्याज डाल दिया है और करी पत्ता। और अब मैं यहाँ पे जो है टमाटर जो है चॉप कर ले रही हूँ। तो बस सिंपल से ही ये सब्ज़ी बनती है, पर बहुत टेस्टी लगती है। अगर आप पहले जो है फ्रेंच बीन्स को फ्राई करके निकालेंगे ना तो सब्ज़ी अच्छी बनती है। फ्राई ना, डीप फ्राई नहीं करना था, शैलो फ्राई करके ही मैंने आलू और जो बीन्स है उसको निकाल लिया था, और अब मैं उसका मसाला बना के जो है उसमें उसको वापस से डाल दूँगी। और वहाँ पे ना मैं नित्या को जो है मिल्क भी सर्व कर दे रही हूँ, मैंने बच्चों को उठा दिया था, शाम का समय हो ही गया था, तो नित्या को जो है बोनविटा मिल्क में दे देती हूँ शाम को। और बीच बीच में ना मैं अपनी सब्जी जो है स्टर कर ले रही हूँ, मसाले भुन गए हैं। और यहाँ पे मैं ना बना रही हूँ मैंगो शेक। वैसे तो बारिश हो रही है पर मेरे पास ना ये मैंगो रखा हुआ था तो इसलिए मैंने बना लिया, तो ठंडे ठंडे मौसम में बस ठंडा ठंडा हमने तो मैंगो मिल्क शेक भी इंजॉय किया। तो जैसे ही मेरे हस्बैंड आए ना, मैंने उनको ये जो मिल्क शेक है वो सर्व कर दिया था। तो वैसे वो लंच वहाँ पे करते हैं, पर आने के बाद ऐसा होता है ना, थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कुछ बना के मैं उनको दूँ, और हम लोग ना टी कॉफ़ी वगैरह लेते ही नहीं हैं, तो बस ऐसे कभी मैं कुछ स्नैक्स बना देती हूँ। तो आज मैंने जो है मैंगो मिल्क शेक जो है बना दिया था। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है, मतलब उसका मसाला जब प्रिपेयर हो गया तो सब्ज़ी जो है बनने में कोई टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि आलू और जो बीन्स है वो ऑलरेडी जो है भुने हुए हैं।
तो बस यहीं तक ही थी मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।